तुम्हें ना बोले कि तुम्हारा सास का मुड़ी पूछ रहे सब मना करते हैं कि जितना फरियाना है सब घर ही फरिया के आओ, यहाँ पर भी आकर के सास ससुर को बात करेंगे, चुपचाप रहो। अब सुनो, गोलगप्पा की फरियाता मत करो, आते आते बोला था कि चार गोलगप्पा खा के आ जाए, दोनों की खूब लगन चाप रहा है आजकल, कोई बात नहीं चापते रहे। सुनो, लगन चापना ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे चाप लिए तब क्लास में वो सब बात मत बताओ। क्लास में रसगुल्ला का, गोलगप्पा का, पानी पूरी का, पता नहीं सब क्या क्या, और तू लोग बात करेगा। पूरी खाते रहो, लेकिन बचा के खाना, पुलाव ज्यादा मत खाना, डल्ला को खिला देगा तो हो जाएगा फ्री। एक्सरसाइज 12.2 का ये हमारा सवाल नंबर एक है, क्वेश्चन नंबर कौन है हमारा एक है, जिसमें गिवन है कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसमें ए बी इसका 9 सीएम का है, बी सी इसका 12 सीएम का है, सी डी इसका 5 सीएम का है, ए डी इसका 8 सीएम का है, और सी कोण इसका समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। ओके, तो हमें ए बी सी डी का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। वैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, सबसे पहले तो दिया है बाबू हमारे पास क्या दिया है, भुजा AD बराबर क्या है, AB बराबर 9 सीएम है ना, और बात करें BC तो BC 12 सीएम है, CD हमारा कितना है 5 सीएम है, AD हमारा 8 सीएम है, और साथ में एंगल C जो है ना ये 90 डिग्री का है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है किसका, ए बी सी डी का, ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है। सुनिए, ए बी सी डी का अगर क्षेत्रफल की बात करें ना, तो क्या हम त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल लिख सकते कि नहीं, ए बी डी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना, कारण बताते हैं ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि देख लो भुजा इसका अलग अलग है, वर्ग होता आयत होता है तो इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल देते हैं, अब ये वर्ग और आयत तो है नहीं, तो हम इसका क्षेत्रफल अलग निकाल देंगे और इसका क्षेत्रफल अलग निकाल करके दोनों को एक में जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, एक में जोड़ देंगे, तो हमारा काम आसानी से फिनिश। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम है, अलग अलग दोनों को निकालते हैं, क्या करते हैं आप, त्रिभुज बीसीडी का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, बीसी बी का क्षेत्रफल, चूंकि बीसीडी हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ना बीसीडी, बीसीडी समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है एक बटा में दो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना होता है। देखिए तो एक बटा दो तो अपने जगह पे है, लंबाई इसकी 5 है और चौड़ाई इसकी 12 है, 6 दुना 12, 6 पचे 30 सीएम, ओके निकल गया ना, 6 पचे खत्म, ये क्षेत्रफल तो निकल गया। अब देखिए लफड़ा यहाँ पे है हमें, कि सबसे पहले तो ये भुजा निकालना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा ना, तब ये भुजा निकालेंगे तभी ना, ये तीनों भुजा निकलेंगे तो हिरोनिया से इसको बना लेंगे, समझे। तो पाइथागोरस प्रमेय का लागू करके पहले इसका विकर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि ये आधार है ये लंब है, तो विकर्ण ऑटोमेटिक निकल जाएगा, समझे। तो क्या कर लेते हैं, बी डी बराबर क्या लिख लेंगे, बी डी बराबर पाइथागोरस प्रमेय लागू करके कर रहे हैं, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के, और चूंकि हमको बी डी चाहिए ये इसको स्क्वायर होता है, तो हम स्क्वायर ना लेकर के क्या करते हैं, इधर टोपी पहना दिए, ये भी देख लीजिए, तो लंब कौन है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 और 125 कै गो होता है, 25 प्लस 144 कितना होता है 169, 169 किसका वर्ग होता है 13 सीएम, मिल गया, ये कितना मिला हमें 13 सीएम प्राप्त हो गया। अब आइए आप इसको किस फॉर्मेट से बनाएंगे, हिरोन सूत्र से, किससे, हिरोन सूत्र से, तो उसके लिए हमको सेरी पैरामीटर पहले चाहिए,
अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं, तो अर्ध परिमाप अर्थात एस बराबर। अब चलते हैं किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में। पुनः त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। तो ए बी डी में भुजा अलग अलग दिया है, ए बराबर कितना है 9, बी बराबर कितना है 13 और डी बराबर कितना है 8 दिया है ना। तो इससे हम क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर। तो क्या होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, 1/2 अपने जगह पर ठीक है, और प्लस में 9 प्लस 13 प्लस 8 समझे, 9, 8, 17, 13, 30 होता है 1/2 गुणा में 30 कट के कितना आ जाएगा 15। तो एस बराबर मिल गया। अब एस जब हमें मिल ही गया है तो हम और किसे प्राप्त कर सकते हैं, अब हीरोन सूत्र क्या होता है बाबू, हीरोन सूत्र हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होता है अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसी फॉर्मेट बना निकालेंगे इसको। तो इसके लिए हमको एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी चाहिए, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एस माइनस ए अर्थात 15 - 9 कितना हो जाए, सॉरी 15 लिखना चाहिए, हम 13 लिख दिए, 15 = 6 आएगा। एस माइनस बी 15 - 13 2 आएगा आएगा, और एस माइनस सी 15 - 8 कितना आएगा 7। ओके तो चलिए लिख देते हैं सब, जबकि हमें प्राप्त हो ही गया है तो हम इधर क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं 15 × 6 × 2 × 7। ओके देखिए इसको 3 में ब्रेक कर लेंगे, 2 में, इसको 3 और 5 में ब्रेक कर लेंगे, कर लेंगे, चलिए तो कर लेते हैं। 5 3 बाबू 15, 3 2 9 और 2 पहले ही से है, 7 है। देखो पेयर किसका किसका है, 2 और 3 का है, तो 3 2 9 6 एक और निकलेगा दोनों बाहर, तो 3 2 9 6 बाहर निकलेगा और 7 5 35 अंदर रहेगा, तो 6 बाहर और 35 अंदर। ये नॉन परफेक्ट है, अगर 36 होता तो 6 बाहर निकलता, ये 35 है, रूट 35 का मान कितना होता है 5.6 होता है, नॉन परफेक्ट। हम इस पे भी बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखें तो देख जरूर लीजिएगा। तो ये कितना है 6 × 5.6 गुणा करेंगे 6 × 6 = 36 के लिए 6 × 6 = 30 हाथों में तो है 3 कितना हो गया 33.6 लगभग, क्या है ये लगभग, क्योंकि नॉन परफेक्ट में इसको निकाले थे हम। तो ये 33 कितना हो गया 6, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 × 6 = 36 के लिए 6 × 6 = 30 और 3 = 33 ये निकल गया। अब बाबू हमें त्रिभुज का नहीं ना, चतुर्भुज का ना क्षेत्रफल चाहिए। चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर हम शुरू में क्या लिखे थे, बी सी डी प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल मैंने अलग अलग निकाल दिया ना। इधर देखो बी सी डी का क्षेत्रफल कितना निकला है 30, और उसके बाद ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकला 33.6। तो दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 30 + 33.6, तो कितना हो जाएगा 63.6, जो कि इसका वांछित। हमारा एक्सरसाइज ये क्या 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ऐसे देखिए अलग अलग भुजाएं दिया है, ए बी 3 cm का दिया है, बी सी 4 cm का है, सी डी हमारा 4 cm है, ए डी हमारा 5 cm है, और ए सी हमारा कितना है 5 cm। ठीक है, एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया निकालना है। सुनिए एरिया दोनों का निकालना है, चतुर्भुज सीधा होता तब तो निकालते जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के, ठीक रहा है कि इसका भुजा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट हमें ये दिया है, बिकॉज दिख रहा है
बीच में एक विकर्ण दे दिया है और ये समकोण त्रिभुज अगर किसी भी तरीके से हम लोग सिद्ध करने में सफल हो जाए तो सही होता है। अच्छा सुनो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय ये ना कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बाबू बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, होता है कि नहीं होता है? अगर हम त्रिभुज एबीसी में देखे, सुनो एबीसी में देखे तो इसका विकर्ण कौन है? ये है। लंब कौन है? ये आधार, आधार कौन है? ये है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब पांच का स्क्वायर बराबर है चार के स्क्वायर प्लस तीन के स्क्वायर के। कैसे? तो पांच का स्क्वायर बाबू पच्चीस, चार का स्क्वायर सोलह और तीन का स्क्वायर नौ। सोलह को नौ को पच्चीस है ना, पच्चीस बरोबर पच्चीस मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ना कहता है एक बटा दो लंबाई गुणे चौड़ाई। सिंपल। रही बात इसकी, दुगो भुजा तो इसका बरोबर है, ये गो अलग हिरणिया लगा देंगे यहाँ पे और का, इसलिए ना हिरणिया का जन्म हुआ है। तो आइए, ये तो बुझ गए हम लोग कि ये समकोण त्रिभुज है। तो पहले एरिया निकाले थे किसका? ए बी सी का। चलिए दीवार बाती में कुछ लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, समझे? दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी का भुजा, का भुजा ए बी बरोबर बबुआ तीन सी एम, समझा? बी सी चार सी एम, चार सी एम चार रे ए डी पांच सी एम। साथ में एक चीज और दे दिया ए सी, कितना? पांच सी एम। तो हमें चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा सुनिए, ए बी सी डी के क्षेत्रफल बराबर हम ये भी लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज ए सी डी का। देख बाबू अनुवाइजिंग ज्यादा है, तू लोग आपस में समझता है मत की तरफ भुनभुना रहा है, मत समझता है ना, गुन 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 गुन। ऐसा करेगा ना, मार्करे से चला कर मुड़ी फोड़ दे, बात मत कर, गुनगुना ज्यादा रहा है तू लोग। सुन, अब ये बात समझा ना, हमको एरिया एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। एबीसीडी तो पूरे हो गया, लेकिन हम पूरे का फॉर्मूला नहीं जानते, तो आधा तो कर ही सकते हैं। अरे मानते हैं कि पूरा एक बार में नहीं आएगा, तो आधा आधा दुबर में फरिया देते हैं, आधा एने से आधा एने से, आधा ही जोड़ देंगे तो पूरे न मिल जाएगा। उहे काम यहाँ लिखे एबीसी का क्षेत्रफल और एसीडी का, जहाँ पे एबीसी तो संपूर्ण है हम लोग सिद्ध कर दिए पाइथागोरस से। कौन से गोरस से? पाइथागोरस से ऑलरेडी सिद्ध कर दिए कि यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या कहता है पाइथागोरस? आप क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के, जो कि है 25 बरोबर 25। ओके, जस्ट कम टू द पॉइंट। तो हम लोग अब किधर जाएंगा? इधर निकालेंगे क्षेत्रफल पहले। अब तरबूज किसका? कौन से तरबूज का क्षेत्रफल? एबीसी का ना, ए बी का क्षेत्रफल एक बटा दो लंबाई गुणे चौड़ाई, समझा? जहां पर इसका बी कोण बाबू समकोण बोले तो 90 डिग्री का है। ओके, सुनिए, एक बटा दो तो ठीक है, लंबाई इसका चार है, चौड़ाई इसका तीन है, चार दूना सॉरी दो दूना चार, तीन दूना छ सी एम स्क्वायर कौन मिला? एबीसी। ठीक है, पुनः क्या लिखेंगे? पुनः क्या बोला? पुनः तरबूज कौन से? ए सी डी। ए सी कोई बात नहीं, ए सी डी का क्षेत्रफल
ए सी डी का क्षेत्रफल, तो हिरण्य फरियाना पड़ेगा, क्या कि भुजवा अलग अलग है, कोनो कण का स्क्वायर इसके विकर्ण के स्क्वायर के बरोबर नहीं ना आएगा। तो हिरण्य बुलाने के लिए हमको सेमी पैरामीटर लेके आना होगा, इसके लिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हिरोन सूत्र में चलना होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एच डी कर लिए हैं आप लोग। तो इसमें एस एस सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। चलिए एस बराबर क्या होता है, भुजाओ का युग बटा टू, मुंह मुंह भुजा जोड़ दे इसका, हालांकि इधर लिख भी देते हैं सुन लीजिए, ए बरोबर पांच, बी बरोबर चार, सी बरोबर पांच, हो गया फरिया दिए, तो लिख दीजिए पांच प्लस पांच प्लस चार, पांच प्लस पांच प्लस चार, पांच पांच दस चार चौदह बटा दो मने सात, एस फॉर सात, छापिए यहाँ पे लिखे, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, मिल गया ना सब कुछ जो हमको इसमें चाहिए, सब तो खींचिए दिए। अच्छा ना 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 आइए निकाल देते हैं, नहीं एस माइनस ए मैंने सात माइनस पांच कितना दो, एस माइनस बी सात माइनस चार तीन, एस माइनस सी सात माइनस पांच माने दो, ओके चलिए तो सात गुणे दो गुणे दो गुणे क्या बुझे बुझ गए, चलिए तो दो दो तो है सात इक्कीस, तो दो दो को देख रहे पेयर बन रहा है, बाहर निकाल दो अब भीतरे छोड़ दो इक्कीस, सुनिए छोड़े कैसे, हमको तो दोनों को जोड़ना ना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं, तो नॉन परफेक्ट बर्गरूट है, वैसे तो बर्गरूट नॉन परफेक्ट भी आपको कई बार बताया है, नहीं बताया है तो जाइए आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा नॉन परफेक्ट वाला, देखिए पता चलेगा कि कैसे इसको हल करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे ना तो चार चौका सोलह पांच पचे पच्चीस, माने रूट सोलह होता तो चार होता, रूट पच्चीस होता तो पांच होता, दोनों के बीच में ना है ये, माने चार से ज्यादा लेकिन पांच से, तो इसका मान होगा बाबू 4.6, कितना होगा आप निकाल लीजिएगा, ये मेरा भरबली का चीज है 4.6, इसका विधिवत चर्चा मैंने किया है एक वीडियो में आप देख सकते हैं, ये सुन लीजिए 46 दूना बाबू 92 होता है, दशमलव एक के बाद छाप देंगे 46 दूना 92 सीएम स्क्वायर। अब आइए मेरे लफड़ा, तो हमको एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है, हमको तो ये क्षेत्रफल निकालना है हिरण्य से का मसला, अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पहले ही लिख दिए है ना, ये एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकाले थे 6 सीएम स्क्वायर दिख रहा है ये, तो लिख दिए 6 सीएम अब प्लस एसीडी का क्षेत्रफल कितना 9.2, 9 6 दोनों में सीएम स्क्वायर बाहरी खींच दीजिए 9 6, समझ गए, लेकिन वैसे काम नहीं चलेगा, 6 2 12 के लिए रे रे दशमलव का पहले वाले दशमलव से ना जोड़ेंगे, सही है 9 6 दशमलव सीएम छाप दीजिए, यही आपका आंसर।